ऊपर खींच लिया, फिर हम जैसे ही नीचे नीचे छलन लगाई, उसके बाद में गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा राजा कस्बे के पास एक भीषण बस हादसे में 26 यात्रियों की जान चली गई है। यह हादसा समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ। ये सिटी लिंक ट्रेवल्स की एक लग्जरी बस नागपुर से मुंबई जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि 26 लोग सीधे बस में ही जलकर राख हो गए। इस भीषण सड़क हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं शनिवार की सुबह महाराष्ट्र के लिए सदमे जैसी हो गई। बुलढाणा के SP सुनील कड़ासेन ने बताया कि बस में कुल 33 लोग सवार थे, इसमें से 3 मासूमों समेत 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में लगी आग ने किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। नागपुर से औरंगाबाद के लिए विदर्भ ट्रैवल्स में बैठा था, उसके बाद में हम सिंधकर राजा के पास समृद्धि के पास हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट गाड़ी पलटने के बाद तुरंत गाड़ी में आग लगी। फिर हम 3-4 लोगों ने ग्लास तोड़ा, बाहर आए, एक लड़के को मैंने ऊपर खींच लिया, फिर हम जैसे ही नीचे छलन लगाई, उसके बाद में गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। और उसकी दोस्त राधिका खड़से, ये दोनों कल शाम को 7:30 बजे वर्धा से पुणा के लिए रवाना हो गए। उस और रवानी होने के बाद हमको सुबह पता चला कि ट्रैवल्स का एक्सीडेंट हो गया, और उसके वजह से हम घटनास्थल के लिए कुछ चौकसी के लिए हमारे कुटुंबीय के सदस्य वो घटनास्थल के लिए बुलाने के लिए रवाना हो गए। और वो आप पूछती है वो हमको कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं करके। वहाँ क्या करती थी वो? पुणे में, पुणा में ये दोनों भी लड़कियां जॉब करती थी। अभी घर में कौन कौन फैमिली? और उनके घर में एक भाई, उसकी माँ और पिताजी, ये तीनों ऐसे उसके फैमिली के लोग है। अभी यहाँ से जो लोग गए उनसे कुछ आपकी बात हुई है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो सवेरे जल्दी में निकल गए। वो आप पूछती और ट्रैवलिंग खत्म होती वो हमको कॉल करे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।